जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय सर आप सभी का JBM एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। इसके रिगार्डिंग जितने सारे टॉपिक है सभी टॉपिक को वन बाय वन समझने जानने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से जानने समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि मस्कुलर टिश्यू होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात किया जाए मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो मसल्स टिश्यू इज अ कंपोज ऑफ सेल्स दैट हैव द स्पेशल एबिलिटी टू शॉर्टन और कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो सेल से कंपोज होता है, यानी सेल से मिलकर बना होता है। इसके पास एबिलिटी होती है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में मूवमेंट क्रिएट करना, मूवमेंट उत्पन्न करना। ठीक है, अब आते हैं इसके टॉपिक पे, इसके फंक्शन पे आते हैं कि इसकी फंक्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यानी मस्कुलर टिश्यू जो है मूवमेंट और लोकोमोशन प्रोवाइड कराता है। मूवमेंट का मतलब हिलना डुलना, या आप ये मान के चल सकते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है कि पोजीशन में चेंजिंग होना। पोजीशन में जैसे अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो पोजीशन में चेंजिंग होगा, वो कहीं ना कहीं किसके थ्रू हो रहा है, लोकोमोशन के थ्रू हो रहा है। चलिए दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं, सर्कुलेटेड ब्लड। इसका मतलब ये हो कि मस्कुलर टिश्यू जो है ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है। चलिए तीसरा फंक्शन की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसिंग हीट, हीट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजीशन, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का जो पोजीशन देने में मदद करता है। जैसे आप कोई चीज है बॉडी से, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं या आप बॉडी के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हैं, चेयर से बैठकर आप फिर खड़े हो गए, उठना बैठना, ठीक है ना। अगला टॉपिक समझते हैं, स्टोरिंग और मूविंग सब्सटेंस इन बॉडी, यानी हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के फूड मटेरियल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है या स्टोर हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, मस्कुलर टिश्यू के कारण हो रहा है। चलिए हमने इतने सारे टॉपिक में मस्कुलर टिश्यू के बारे में जाना। अगर आप मसल्स के बारे में अच्छे तरीके से, उसके बारे में गहन तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उस प्रोसेस को माइलोजी के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी माइंड में रखेंगे आप कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड माइलोजी। अगर इंसान की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो टोटल ह्यूमन बॉडी में 639 मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स होते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है मस्कुलर टिश्यू के रिगार्डिंग जो हेल्प करेगा। चलिए अगर मसल्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, सेलेक्शन के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। बोन्स और बोन जहां पे जुड़ेंगे उसको लिगामेंट के नाम से जाना जाएगा। जहां पे मैंने आपको एक पिक्चर यहाँ पे जस्ट दिखाया है, देखिए यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे स्पेशली जो है आपको दो बोन्स जुड़ा हुआ, ये एक प्रकार के लिगामेंट का, ये उसको हम लिगामेंट बोलेंगे। चलिए अगर बोन और मसल जहां पे जुड़ते हैं उसको हम टेंडन के नाम से जानते हैं, जो आपको इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा। बोन्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको ओसिन बोलते हैं, इसे आप याद रखेंगे। मसल्स के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको मायोसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्बो हो गया, हील हो गया, नी हो गया, शोल्डर हो गया, ये सभी जितने सारी चीजें हैं इस सभी के अंदर क्या पाया जाता है, ये सभी के अंदर जो है टेंडन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को और कवर करने का कोशिश करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलंटरी मसल्स एंड ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी मसल्स को हम एस्ट्रिएटेड मसल और स्केलेटन मसल्स के नाम से भी जानते हैं, जो आपको स्किन पे दिखाई दे रही होगी। लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स में आपका स्मूथ मसल्स आता है। अब अगर हम बात करें कार्डियक मसल का बारे में, तो ये स्पेशली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसको तीसरे मसल्स के टाइप्स बोला गया है, लेकिन हम इसको इनवॉलंटरी मसल्स का ही सब कैटेगरी में आता है। तो ये जितने सारे मसल्स के टाइप्स है इसको वन बाय वन हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास है वॉलंटरी मसल्स। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि वॉलंटरी मसल्स होता क्या है और ये इसका फंक्शन क्या है। तो वॉलंटरी मसल्स की अगर हम बात करें तो
वोलेंटरी मसल्स आर स्केलेटल मसल्स दैट अटैच टू बोन्स। वोलेंटरी मसल्स ऐसा मसल्स होता है जो बोन्स से अटैच होता है और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि वोलेंटरी मसल्स वैसे मसल्स होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। द मसल्स विच आर अटैच टू बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, यानी वैसा मसल्स जो बोन्स के साथ क्या हो, अटैच हो, उसको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। अब अदर नेम की बात करें तो स्ट्रेटेड मसल्स बोल दिए या वोलेंटरी मसल्स बोल दिए, ये उसका दूसरा नाम है। लोकेशन की बात करें तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में, ऑलमोस्ट होल पार्ट ऑफ द बॉडी में पाया जाता है क्या, वोलेंटरी मसल्स, ठीक है। और इसको हम टेंडन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर मोशन क्रिएट करने में मदद करता है, पोस्चर बताता है, प्रोटेक्शन देने में मदद करता है, हीट प्रोड्यूस करने में मदद करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लिम्स हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका, वोलेंटरी मसल्स का, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये आपका लिम्स, ये एक प्रकार के लिम्स का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए बोन्स के अंदर जो है ना, अगर हम बात किया जाए तो मसल्स के अंदर बोन्स पाए जाते हैं, जब जिस मसल्स के अंदर बोन्स पाए जाएंगे तो वो टायर्ड हो जाएगा, यानी कभी कभी देखते होंगे कि जब आप बॉडी से काम कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो बहुत जल्दी थकने का पीछे क्या रीजन है, कि वो आपके बॉडी में बोन्स है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि हमारा हार्ट जो है बीट हमेशा करता रहता है, आपने कभी ये सोचा होगा कि हार्ट जो है हमेशा बीट करता रहा, वो कभी क्यों नहीं थकता, क्योंकि हार्ट के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, बोन्स नहीं पाया जाता है। चलिए अगला टॉपिक को कवर करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारे पास टॉपिक जो है स्मूथ मसल्स, तो इसको समझते हैं कि स्मूथ मसल्स क्या होते हैं। तो विच मसल्स कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, वैसे मसल्स जो नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं उसको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और ये इसके फाइबर जो होते हैं वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं। ये कहां पे पाए जाते हैं, तो ये ब्लड विजल्स, लिम्फ विजल्स में पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूटेरस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप ब्लड विजल्स में आप देखते होंगे आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज के बारे में, ऑक्सीजन वाले आप चीजें पढ़े होंगे। लिम्फ की बात करें तो हमारे बॉडी में इंफेक्शन को रोकने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी की बात करें तो रेस्पिरेटरी का मतलब ये हुआ कि जैसे हम फूड के साथ ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है, जो ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब हुआ कि जैसे हम यूरिन के रिगार्डिंग, यूरिनरी ब्लैडर में आप पढ़ सकते हैं। इसके फंक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल का फंक्शन क्या है, कि ये मोशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। और इसके अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होता है, और बोन्स प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये कभी थकता नहीं है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। जैसे आप देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में मैंने आपको दिखाने का भी किया कोशिश किया है। इस पिक्चर में अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में हम कोई फूड खाने के बाद जो है वो डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से, वो कभी थोड़ी थकता है। आप खाना खाते हैं वो प्रॉपर तरीके से वो डाइजेस्ट होता है, ऐसा थोड़ी है कि कभी आपकी बॉडी जो है बोला हो कि नहीं पहले हम दो दिन के बाद हम डाइजेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा कार्डियक मसल्स। तो इस टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, कार्डियक मसल्स करता कैसे, काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। अगर हम बात करें कार्डियक मसल जो होता है स्पेशली हार्ट के अंदर पाया जाता है, और ये स्पेशली हार्ट वाल में जो है ना ये पाया जाता है। ये करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका, तो इसका फंक्शन है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में, जितने सारे पार्ट है सभी पार्ट में ब्लड को पंप करने का काम होता है। सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम है एस्टेब्लिस के नाम से जाना जाता है। और सबसे लॉन्गेस्ट जो मसल होता है इसको सार्टोरियस के नाम से जाना जाता है। और सबसे लार्जेस्ट मसल जो पाया जाता है वो मैक्सिमस इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, जैसे वहां पे मैंने पिक्चर दिखाने का कोशिश किया है जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रिफर जो है इंजेक्शन यहीं पे करते हैं, कुला जिसे बोला जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि मस्कुलर टिश्यू आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके रिगार्डिंग जितने सारे पॉइंट है आपने कवर कर लिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब JVM Academy।